महाभारत में अर्जुन और साउथ में अल्लू अर्जुन का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी अर्जुन की छाल का नाम सुना है? जी हाँ, अर्जुन की छाल जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा दवाइयां बनाने में किया जाता है। बता दें कि आयुर्वेद में अर्जुन की छाल को खास जगह दी गई है। इसका सेवन करने से कई तरह की बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। आज वीडियो में हम न सिर्फ अर्जुन की छाल के फायदों के बारे में जानेंगे, लेकिन ये किडनी के लिए कितनी फायदेमंद है ये भी जानेंगे। बात किडनी की करें तो बता दें कि अर्जुन की छाल में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसकी वजह से किडनी को हेल्दी रखने के लिए अच्छी मानी जाती है। वैसे तो ये किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो इसका सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। चलिए, ये तो हो गई किडनी की बात। अब अर्जुन की छाल के दूसरे फायदों के बारे में भी जान लेते हैं। बता दें कि अर्जुन की छाल में एंजाइम्स और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि किडनी और लिवर की कैपेसिटी को बढ़ाकर ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं। इसके लिए डायबिटिक पेशेंट्स को अर्जुन की छाल का पानी लेने के लिए कहा जाता है। वहीं अर्जुन की छाल हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत फायदेमंद मानी जाती है। अर्जुन की छाल में ट्री टर्पेनॉइड केमिकल पाया जाता है, जो कि हार्ट डिजीज के खतरे को कम करता है। इसमें मौजूद एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। बात अर्जुन की छाल की हो रही हो तो आपको बता दें कि इससे आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। अर्जुन की छाल बॉडी में होने वाले इन्फेक्शंस को रोकने का काम करती है, जिससे कमजोर हो रही इम्यूनिटी को मजबूती मिलती है। वहीं अगर आपको पेट से जुड़ी समस्या है तो बता दें कि अर्जुन की छाल आपके लिए चमत्कारिक साबित हो सकती है, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स को रोकने का काम करती है। इसे लेने से डाइजेस्टिव सिस्टम भी मजबूत होता है। वहीं बदलते मौसम में खांसी जुकाम होना आम बात है। ऐसे में अगर आप अर्जुन की छाल का काढ़ा पियेंगे तो लंबे समय से जमा हुआ बलगम और सीने की जकड़न जैसी शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। तो जैसा कि आपने जाना कि अर्जुन की छाल से हेल्थ को कितने फायदे होते हैं, लेकिन फिर भी इसका सेवन करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें। नमस्कार।